वैसे तो सारी चीजें हमें यदि हम ध्यान से पढ़े और ध्यान से देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सभी कुछ बता चुके हैं, सभी कुछ हमें दे चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हमने उसको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाए हैं। जैसे यदि हम उनके तीन प्रिंसिपल जो उन्होंने दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड देन स्ट्रगल, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल। हम लड़ते पहले पहले दो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, हम चाहते हैं हम संघर्ष करें विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, संगठित नहीं होगे, तब तक संघर्ष नहीं कर सकते। तो ये एक सीक्वेंस है, जब तक हम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं कर सकते। हम में से कितने लोग अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, हम सभी जानते हैं। कितना उस पर खर्च करते हैं, हम सभी जानते हैं। हम घर पे पैसे लगाएंगे, शादी ब्याह में पैसे लगाएंगे, बट एजुकेशन जब बात आती है तो हम गवर्नमेंट स्कूल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल पे भेज सके बच्चे को, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द स्टेटस थ्रू आवर हाउसेस, थ्रू आवर मैरिजेस। कि मैरिज में उसने ये गाड़ी दी, बहुत अच्छी बात है, मेरा नाम हो गया, बट दीज आर नॉट द थिंग दैट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए आपको एजुकेशन इज द ओनली वीपन, और एजुकेशन ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो स्टेटस है, चाहे वो लड़ने की शक्ति है। यदि एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह बाबा साहब ने तीन चीजें सीक्वेंस में दी है, हम उसको गलत सेंस में लेते हैं, हमें लगता है पहले को फॉलो किए बिना दूसरे पर चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लड़ ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास एजुकेशन या स्टेटस या पावर, जिसको हम मनी पावर कहते हैं, दो में से एक चीज जरूरी है, एजुकेशन या मनी पावर, या तो आपके पास नॉलेज है। अब जैसे बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, उनके पास पावर मनी नहीं थी, मनी पावर नहीं थी, बट नॉलेज इतनी थी उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, और उसी नॉलेज के दम पर उन्होंने वो किया जो शायद इस भारत में कोई सोच भी नहीं सकता। केवल एक डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा जिससे आज तक वो सारे लोग लड़ रहे हैं लेकिन बदल नहीं सकते। वो कितने ही कहे कि संविधान बदल जाएगा, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। संविधान बदलने के लिए 3/4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एसेंट जरूरी है, उनके एग्रीमेंट जरूरी है, वो कभी नहीं होने वाला। तो संविधान तो कभी बदलेगा नहीं, आप थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जो कि वो टाइम टू टाइम करते भी हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक आपके पास दोनों में से एक चीज नहीं होगी, या तो नॉलेज या मनी पावर, दोनों में से एक चीज आएगी तभी आप किसी से लड़ पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मनी पावर तो आज भी नहीं है। यदि आप 0.1% कहीं जा रहे आपके लोग हैं जो सक्षम हैं, जो इस लायक हैं कि वो पैसा खर्च कर सके, तो हमारे पास सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो साधन है वो है एजुकेशन। हमें एजुकेशन के पीछे ही भागना चाहिए, सारा अपना खर्चा जितना हो सके एजुकेशन पे करना चाहिए। तो ऑन द सेम ग्राउंड आई हैव यू नो थ्री चैप्स, जिसको मैं लिबर्टी कहूंगा, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी एंड देन सोशल लिबर्टी। पॉलिटिकल, राजनीतिक हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, फिर इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, और फिर हमारा सोशल फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन हम आगे लड़ खड़ पड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी में इक्वालिटी आए, वो नहीं आ सकती। पहले उसके लिए आपको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा बैकग्राउंड है कि आपको पॉलिटिकल लिबर्टी को अम्बेडकर जी देकर गए हैं। उन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी के फॉर्म में आपको दो ऐसे हथियार दिए हैं, एक तो राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन। राइट टू वोट सभी के पास है, राइट टू कंटेस्ट भी वो रिजर्व करके गए हैं, आपकी सीटें रिजर्व है, लेकिन उसको अगेन हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वोट हमारा फोन पे भी बिक जाता है, वोट हमारा कास्ट पे भी चला जाता है, वोट हमारा किसी भी बेस पर चला जाता है, लेकिन इक्वल जो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, राइट टू वोट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, हम उसी को सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, उसने कहा उसको डाल दीजिए, उसको डाल दिया वोट। कुछ पार्टी रहती है जिसको सभी जानते हैं कि वो आपके हित के काम कभी नहीं करेंगे, चाहे वो फूली क्यों ना हो, वो पार्टी रहती है वो आपके हित में काम कभी नहीं करेगी, ये जनजाहिर है, फिर भी हम उनको वोट दे देते हैं, चाहे अपने पीयर प्रेशर में अपने बड़ों की छोटों की बात मानते हुए। तो हमें अपना राइट टू वोट बहुत ही सिंसियरली यूज करना है। दूसरा है राइट टू कंटेस्ट, केवल उसी इंसान को फेवर कीजिए, चाहे अपनी कास्ट का है, जो सही पार्टी से खड़ा है,
गलत पार्टी से खड़े होने वाला इंसान भी गलत है। तो अपनी पार्टी जो कि आपकी अपनी पार्टी भी है, यदि वो नहीं है आपके एरिया में, वो पार्टी डोमिनेट नहीं करती, तो दूसरी सेकंड बेस्ट पार्टी ही चूज करो, ना कि जिस मर्जी पार्टी को दो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी को दूंगा मेरा वोट बेकार है। वोट बेकार का भी नहीं होता, वोट हमेशा काउंट होता है और पार्टी जिंदा रहती है। तो हमें अपनी पार्टी को ही वोट करना चाहिए। तो पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे पास आज भी है, हमें उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आपका हाथ पकड़ के वोट नहीं करा सकता। तो पॉलिटिकल फ्रीडम आपके पास है, वो लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम में आपके पास दो चीजें होती हैं। इकोनॉमिक पावर कैसे आती है, मनी पावर कैसे आती है, या तो आपके पास इंप्लॉयमेंट हो जिसको हम जॉब कहते हैं, या आपके पास लैंड हो यानी कि जमीन। इन दो जगह से आपके पास इकोनॉमिक पावर आती है। अनफॉर्चुनेटली सेकंड हमारे पास नहीं है। आपको लगता है आपके पास 20-25 गज या 50 गज का घर है तो वो लैंड नहीं है, वो भी दिल्ली या आसपास में कहीं है गांव में। आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। यदि आप परसेंटेज निकालोगे 1-2% के अलावा कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो, और गांव में उसके अलावा पैसे जमा कमाने का और कोई जरिया नहीं होता। तो दोनों में से एक चीज भी यदि आपके पास होती है, दैट यू विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक क्लीन इंडिपेंडेंट। बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड तो है नहीं, फर्स्ट इंप्लॉयमेंट है वो आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ओवर द टाइम आपका इंप्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, जो कि सरकारी है। क्योंकि हम इंप्लॉयमेंट की यदि बात करो तो हम लोग सरकारी के मतलब हम सरकारी नहीं क्यों जाते हैं, उसका भी कारण है, वो भी कास्ट से ही रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं प्राइवेट में किस तरह से जॉब दी जाती है, इंटरनली लोग लगाए जाते हैं, बहुत ही कम रेशियो है यदि आप देखोगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर में आपके लोग मिलेंगे, और मिलेंगे तो लोअर लेवल में डिलीवरी बॉय इस तरह की जॉब मिलेंगे। मिडिल लेवल और हायर लेवल मैनेजमेंट में 0% मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर तो आपके लिए वैसे ही बंद रखता है, गवर्नमेंट सेक्टर काम होता जा रहा है, तो इम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक हमारा कोज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स ने भी बोला है कि गवर्नमेंट से हमें मंदिर मस्जिद नहीं मांगने, हमें इम्प्लॉयमेंट मांगना है, हमें एजुकेशन मांगनी है। तो हमारा दो ही पर्पज होने चाहिए कि इम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और उसके लिए भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एजुकेशन पे पैसा खर्च करो, इम्प्लॉयमेंट खुद के जनरेट करो। जो फार्मिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपना कुछ छोटा मोटा धंधा लगाएं, केवल केवल फार्मिंग से काम नहीं चलेगा। यदि आप फोनर्स में देखें, फोनर्स जितने भी फार्मर्स हैं वो केवल फार्मर्स नहीं है, वो खेती नहीं करते, वो खेती करने के बाद उसी को प्रोसेस करते हैं। यदि आप आलू बनाते हैं, आलू उगाते हैं, तो आलू को आप चिप्स बना के बेचिए, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आप लगाइए जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या MSME कहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम आपको बैंक वो भी मिलते हैं, कंसेशन है, लोन फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए। तो आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यदि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक आप लड़ नहीं सकते। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट की बात करें, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसको हम विमुद्रीकरण बोलते हैं हिंदी में, विमुद्रीकरण ने सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ा, सबसे ज्यादा हमारे लोगों को फर्क पड़ा। हमारे लोग मीन्स गरीब लोग। अब ये मत कह रहे कि हमारे लोग गरीब नहीं होते, 80% पॉपुलेशन जितनी गरीब है, 80-90 आज भी हमारे ही लोग हैं, अमीर नहीं है उसमें। तो यदि मैं गरीब बोल रहा हूँ तो हमारे ही लोग हैं, इसका मतलब समझ जाइए। तो सबसे ज्यादा मरने वाले हमारे लोग थे, जितने भी लाइनों में लगते मरे, और जो लोग मरे और हमें आज तक पता नहीं है, गांव में सभी को कैश पेमेंट होती है, फैक्ट्रीज में सभी को कैश पेमेंट होती है, मनरेगा में सभी को कैश पेमेंट होती है, सारी कैश पेमेंट रुक गई थी कम से कम 2-3 महीने के लिए। सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जहाँ कैश पेमेंट होती है रुक गई थी, घरों में खाने के लिए नहीं था। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसने कुछ इंटरनेट जो कंपनीज हैं, पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, उनको फायदा देने के लिए सारा स्टार्ट किया गया। फायदा कुछ नहीं हुआ, आज भी इतनी मनी कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। केवल 6-7 महीने जो आपके खराब हुए, इंडस्ट्रीज बंद हुई, लोग मरे, वो सारा आपका नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तरीके इनके गवर्नमेंट के होते हैं आपको इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए। उस समय कितने लोग मरे, कितने घर तबाह हुए, किसी के पास आज तक डाटा नहीं है। मैं एक वर्कशॉप कर रहा था PGDAV कॉलेज में, एक प्रोफेसर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन से ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। मैंने कहा सर कितने लोग मरे, कितने घर तबाह हुए, कितने
उस पर इंडस्ट्रीज बंद हुई जहां कैश पेमेंट होती है, आपने कभी स्टडी की है? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थे, कह रहे वो स्टडी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई, आपने स्टडी करना चाहिए था। तो सारे जो गवर्नमेंट के स्टेप्स होंगे आपको हार्म करने के लिए होंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ दो तरीके से आ सकती है। सबसे ईजी तरीका है एजुकेशन और दूसरा है लैंड। लैंड आप खरीदेंगे तभी जब पैसा आएगा, उसके लिए अगेन आपको एजुकेशन की तरफ भागना पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है, इनर्ट्स है। यदि सारांश में कहा जाए तो एक ही है एजुकेशन। जितना ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं बच्चों की एजुकेशन पे उतना खर्च कीजिए, चाहे एक खाना एक पैकेट खाना कम खाइए। यदि आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट में पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान होना चाहिए, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको बाद में जाके पता चलेगा। तो थर्ड जो स्टेप है वो है हमारा सोशल फ्रीडम। जैसे मैंने कहा हम वी आर फाइटिंग फॉर द सोशल फ्रीडम एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमिक फ्रीडम। जब तक आप सोशली इक्वल नहीं होंगे और सॉरी इकोनॉमिकली इक्वल नहीं होंगे, आपको सोशली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक अमीर को जितना डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है गरीब को उससे ज्यादा ही सहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास मसल पावर, मनी पावर या इकोनॉमिक पावर सॉरी नॉलेज पावर, तीनों में से एक पावर होनी चाहिए। मसल पावर मैं नहीं कहना चाहूंगा, लड़ाई लड़ाई से कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। उसमें भी आपके खिलाफ बहुत सारी मशीनरी है, कोर्ट पुलिस सारे आपके अगेंस्ट है। तो मनी और इकोनॉमिक पावर सॉरी मनी और एजुकेशन पावर, एजुकेशन नॉलेज है तो बहुत कुछ है। कितने लोग वकीलों से पंगा रहते हैं आप सब जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको बताए कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमें परेशान जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ डालिए, बड़े बड़ी डिग्रीज हैं बड़े बड़े कोर्सेज हैं उनमें डालिए, उस पर खर्चा कीजिए, तभी आप सोशल जो यूनिफॉर्मिटी है सोशल जो इक्वालिटी है वो आप कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। और जहाँ तक टॉपिक है मैंने पढ़ा था राम राज्य पॉलिटिकल है या रिलीजियस है वो हम सभी जानते हैं, उस पर मैं केवल एक लाइन बोलूंगा। प्रोफेसर रतन लाल हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने दो दिन ही बोला था, दो दिन पहले। आप सभी जानते हैं ये मुद्दा पॉलिटिकल है, आप लोगों को बहकाया जाता है एक भीड़ बना के आप ही के लोगों को मारने के लिए। अब मुस्लिम को मैं आप ही का लोग कहूंगा, वो उसके कारण भी आप जान जाएंगे यदि थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे। मुस्लिम में भी यदि आप देखोगे 50-60% से ज्यादा, डाटा मैं नहीं बता रहा, उससे ज्यादा आप ही के लोग हैं जो कन्वर्टेड हैं। तो आप ही के लोग इकट्ठे करते हैं, आप ही के लोगों को मरवाते हैं। तो उसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं एक लाइन कहूंगा जो उन्होंने बोली है, इलेक्शन से एक दिन पहले का आप हिंदू होते हैं और इलेक्शन के अगले दिन आप दलित होते हैं। बस थैंक यू।